चार स्थानों पर हुए भीषण सड़क हादसों में मासूम बालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। अन्य एक हादसे में दोपहिया वाहन चालक बाल बाल बच गया। हादसों के कारण बाराद्वारी और देशपांडे लेआउट में कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। आरोपी चालकों के खिलाफ पार्डी, हिंगना, नंदनवन और प्रतापनगर थाने में प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रविवार को दोपहर में ही देशपांडे लेआउट में डे टू डे के सामने एसटी बस MH40N8442 के चालक ने ओवरटेक करने के चक्कर में दोपहिया वाहन MH31CT4984 को टक्कर मार दी। हादसे में दोपहिया चालक बाल बाल बच गया, लेकिन इस हादसे के दौरान अचानक ब्रेक लगाने 2 कारें आपस में भिड़ गईं। दोनों कारें मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। दूसरी घटना विजयनगर कलमना निवासी बिसनलाल साहू रविवार को दोपहर में दोपहिया वाहन MH31D0610 पर पोते के साथ बड़ौदा गांव जा रहे थे। बाराद्वारी गांव के पास भंडारा से नागपुर आ रहे टीपर क्रमांक 40AK6145 चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाकर बिसनलाल के वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में पीछे बैठा बिसनलाल का 13 वर्षीय पोता रुपेश घेरे शाहू टीपर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बिसनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया। पार्डी पुलिस ने आरोपी टीपर चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। गौरतलब है कि दुर्घटना के बाद टीपर एक टैंकर से जा भिड़ा, जिससे और 2 लोग घायल हो गए। तीसरी घटना विश्राम नगर निवासी सुदर्शन तिवारी शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात दोपहिया वाहन MH1DL7011 पर नरेंद्र नगर से छत्रपति चौक की ओर जा रहा था। इस दौरान अज्ञात वाहन चालक ने सुदर्शन को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हुए सुदर्शन की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित भाग गया। चालक के खिलाफ प्रतापनगर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। एक आपले मोपेड चालक आहेत, महिंद्रा मोपेड चालक किशनलाल शिवचरण साहू वय 57 वर्ष हे नागपूरकडून वडोद्याला जात होते आपल्या नातेवाईकडे। सोबत मागे त्याच्या नातू बसलेला होता रुपेश ब्रिजलाल साहू वय 13 वर्ष। तर हे बाराद्वारी जो भंडारा रोड आहे बाराद्वारीच्या समोर एक नागपूरकडून एक ट्रक आला भरधाव वेगाने MH40AK6145 आणि याने जोराची धडक मारली या मोपेडला। त्यामुळे जो नातूआई यांचा किशनलालचा रुपेश ब्रिजलाल साहू हा धडकेमामुळे खाली पडल्या गेला आणि त्या टिप्परच्या चाकाखाली येऊन जागीच ठार झाला आणि किशनलाल हे जखमी झाले। आम्हाला माहिती मिळताच आम्ही घटनास्थळावर तात्काळ गेलो तर सदर टिप्परचा ड्रायव्हर याने टिप्पर पळवून नेला आणि पुन्हा समोर एक 2-व्हीलर होती MH31BV3329 त्यावर 2 व्यक्ती होते सुरेश शामरावजी तितरमारे आणि किरण नारायण कातोरे यांना पण ठोस मारून जखमी केला। आम्ही त्या टिप्परचा सतत पाठलाग करीत होतो। तो रिंग रोडने पडून जात असताना रिंग रोडवर बेलतरोडीच्या हद्दीमध्ये एका टँकरला ठोस मारली त्याने AP23U1510 या टँकरला ठोस मारून त्याचा नुकसान केला। तर आम्ही त्याचा पाठलाग करून पोस्टे हुडकेच्या हद्दीमध्ये पकडलेला आहे। त्याच्या विरुद्ध आम्ही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केलेला आहे 304, 279, 337, 427 आणि MEF-च्या काही कलम लावलेले आहेत। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।